हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नाइन्थ। चैप्टर नाइन्थ हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल। अलग अलग भी हम पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। फिर दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। कॉन्ग्रेंट फिगर कौन सी फिगर होती हैं? ऐसी फिगर जिनकी शेप भी सेम होगी, एक जैसी शेप होगी एंड सेम साइज, और दोनों का साइज भी एक जैसा होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल एक जैसे होंगे उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है तो दोनों हमारे पास सेम होने जरूरी हैं, दोनों की शेप एक जैसी हो गई। ये है वन वन वन, तो ये भी कितना होना चाहिए? सारे वन वन, तो एक जैसी शेप होगी, इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंट फिगर है इक्वल एरिया। अब दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, दो हमारे पास एक जैसी फिगर है, कॉन्ग्रेंट फिगर है, तो ये सेम साइज की है और सेम ही शेप की है। अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तो दोनों का एरिया का फॉर्मूला भी सेम होगा और सेम आएगा फॉर्मूला। इससे अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या आता है? साइड स्क्वायर, वन का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा? वन। इससे भी अगर हम निकालते हैं तो वन का स्क्वायर करके ये भी क्या आएगा? वन। तो दोनों का एरिया भी क्या आया? इक्वल। इससे हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉन्ग्रेंट फिगर है, वन की बजाय अगर हमारे पास ये 2 है, मान लिया सभी साइड्स इसके 2 हैं तो इसके भी सभी साइड्स 2 हैं, तभी कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। साइड 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, इसका निकाल लेंगे इसका भी 4 आ जाएगा, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का एरिया भी इक्वल है। नेक्स्ट है फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। अगर कोई भी आपको दो फिगर दे रखी है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये हो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट होगा, हो भी सकता है कॉन्ग्रेंट और ना भी हो। कैसे? जैसे हमारे पास ये है, अगर इसको लेके चल रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास कोई भी मान लीजिए 4 4 की ले ली हमने, एक तो हमारे पास स्क्वायर ले लिया, एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये ले लिया हमने, और इसमें जो साइड्स हैं वो कितने कितने की हैं? 4 4 की, तो ये हमारे पास है। अच्छा, जो रेक्टेंगल ले रखा है उसकी मैंने ये 8 मान ली और ये 2 मान ली। अब इसका एरिया निकालो, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेथ 2 है, 8 2 जा 16। एरिया दोनों का इक्वल है बट दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, शेप एक जैसी नहीं है, एक जैसी शेप भी नहीं है, एक जैसी लेंथ भी नहीं है, तो इसलिए फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं है बट दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो फिगर है जिनका एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं, बट हम श्योरली ये नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रेंट होंगी। नेक्स्ट है इफ द फिगर हैव ए कॉमन बेस। अगर हमारे पास एक फिगर है उसका कॉमन बेस एंड द वर्टिसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस, और जो कॉमन बेस है उसके अपोजिट में जो वर्टिसेस हैं ऑफ ईच फिगर लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू द बेस। जो लाई करता है किस पे? पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल जो लाइन है उस पे। देन द फिगर आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जैसे हमारे पास ये दो फिगर हैं, ये है हमारे पास, मान लिया ये फिगर ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये हमारे पास क्या? एक पैरेललोग्राम है। कंडीशन क्या दे रखी? द फिगर्स, दो फिगर्स हैं, हैव ए कॉमन बेस, दोनों का बेस कॉमन है। ये नाम रख दिया ए बी सी डी, और इसका नाम रख दिया पी, और ये सी डी है ही हमारे पास है। तो हमारे पास देखो पैरेललोग्राम क्या हो गया? ए बी सी डी, और ट्रायंगल क्या है? पी सी डी, दोनों का बेस क्या है? सी डी, दोनों का बेस है, तो ये तो आ गया हमारे पास कॉमन बेस। एंड द वर्टिसेस और अपोजिट टू द कॉमन बेस, जो वर्टिसेस है जो कॉमन बेस के अपोजिट है, कॉमन बेस ये था, इसके अपोजिट में वर्टिसेस क्या है हमारे पास? ए बी हमारे पास वर्टिसेस हैं। फिगर लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द बेस, वो जो फिगर है वो ये जो हमारे पास बेस है उसके पैरेलल होगा। देन द फिगर आर सेट टू बी, तो हम उस फिगर को क्या बोल देंगे? ऑन द सेम बेस, कि सेम बेस पर हैं दोनों फिगर, और बिटवीन द सेम पैरेलल, और दोनों पैरेलल्स के सेम पैरेलल्स के बीच में हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम एरियाज आर इक्वल इन द एरिया। कोई भी हमारे पास दो पैरेललोग्राम है जो सेम बेस होगा और बिटवीन द सेम पैरेलल होगा, सेम पैरेलल दो पैरेलल लाइंस सेम है उनके बीच में लाई करता है और दोनों का बेस सेम है, तो क्या बोल देंगे कि उनका एरिया भी इक्वल होगा पैरेललोग्राम्स के लिए ओनली, कि दो पैरेललोग्राम्स हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल और पैरेललोग्राम था तो इसमें नहीं होगा, सिर्फ दोनों पैरेललोग्राम्स में। नेक्स्ट है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल्स हैं, मान लिया हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो इसके अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों का बेस सेम हो गया और दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं, तो क्या बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स का एरिया वो भी क्या आएगा इक्वल। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम। कैसे? जैसे ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये है, तो इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस, इसका नाम रख दिया मैंने ए। हमारे पास क्या आ गया, इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम क्या हो जाएगा एस आर, तो सेम बेस तो क्या हो गया एस आर, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल और दो पैरेलल के बीच में लाई कर रही हैं किस किस के, पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर दो पैरेलल्स के बीच में है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। मान लिया पैरेललोग्राम है जो उसका एरिया आ गया आपके पास 18, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 का हाफ कर देंगे ये हमारे पास कितना आएगा 9, तो इसके हाफ के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ईच मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इंटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का अगर हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास मीडियन हो गया, तो वो मीडियन जो है दोनों ट्रायंगल्स को सेम पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका एरिया सेकंड पार्ट के एरिया के इक्वल आएगा। ईच मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, हर एक मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इंटू ट्रायंगल्स, जो उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरियाज, तो उनका जो एरिया है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो कि इसके अंदर यूज होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल के लिए। जब हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसको हम लिख देंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखो ट्रेपीजियम है तो हमारे पास ये शेप आएगी ट्रेपीजियम की, ये शेप आ गई ट्रेपीजियम की। अब इसके अंदर इसका एरिया निकालना है तो क्या 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दो हमारे पास क्या होते हैं इसके पैरेलल साइड, इन दोनों को प्लस कर दो, मान लिया ये 8 है और ये 10 है, तो 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, और हाइट, हाइट हमारे पास जैसे ये है हमारे पास, इनके बीच की जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी h, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, रोम्बस की इक्वल होती है, बट स्क्वायर में हमारे पास जो डायगनल्स है वो भी इक्वल होता है और रोम्बस है, रोम्बस में हमारे पास डायगनल इक्वल नहीं होता, तो इसमें क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगनल सेकेंड, ये D1 लिख लिया मैंने, ये D2 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा एरिया का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, आपको कोई फिगर दे रखी है जो कि सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स हैं,
इन सच ए केस, राइट, द कॉमन बेस. जब भी आपको कोई ऐसा केस लग रहा है कि सेम बेस है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो क्या लिखना है, राइट द कॉमन बेस. तो उन दोनों का जो कॉमन बेस है वो नोट करना है, एंड टू पैरेलल साइड्स हैं, और जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो नोट करनी है आपको. देखो फर्स्ट है, फर्स्ट में ये फिगर है, ये फिगर देखने से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों का बेस क्या है, सी डी है. ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है और पी सी डी क्या है, एक ट्रायंगल. दोनों का बेस क्या है, सी डी. तो ये क्या बोल देंगे, दोनों का सी डी बेस, और दो पैरेलल हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस हैं. तो ये हमारे पास क्या आया, ट्रेपीजियम ए बी सी डी. किसकी शेप है ये, ट्रेपीजियम की. ट्रेपीजियम ए बी सी डी एंड ट्रायंगल पी डी सी. ट्रेपीजियम आ गए हमारे पास ए बी सी डी, और ट्रायंगल क्या है, पी डी सी. लाई ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे लाई कर रही हैं, किस पर, सी डी. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल्स के बीच में है, किस किस के, ए बी एंड सी डी के बीच में. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड. सेकेंड में हमारे पास क्या दे रखा है, दो फिगर दे रखी है, पी क्यू आर एस एक पैरेलोग्राम है और एम एन एस आर एक ट्रेपीजियम है. अब हमारे पास देखो पैरेलोग्राम और ट्रेपीजियम दे रखा है, तो इसमें देखते हैं तो सेम बेस तो नहीं है हमारे पास. क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एस आर एक ट्रेपीजियम और एक हमारे पास पैरेलोग्राम है, तो इट मीन्स हमारे पास पैरेलोग्राम दो बन गए, क्योंकि ट्रेपीजियम है वो भी पैरेलोग्राम की कंडीशंस में आता है. तो इसमें क्या बोलते हैं, पैरेलोग्राम ऑन द सेम बेस, जब हमारे पास दो पैरेलोग्राम है और दोनों किस पर है, सेम बेस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है. तो ये जो लाइंस है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक दूसरे के, दोनों का बेस तो इक्वल हो गया, बट दोनों का जो है पैरेलल लाइंस के तो बीच में नहीं है. ये पी क्यू और एस आर है, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल नहीं होती. क्यों, क्योंकि एम एन और एस आर जो ये है, इसकी ये साइड्स पैरेलल नहीं है. तो क्या बोल देंगे, नॉट सेम बेस, इनका जो बेस है वो सेम नहीं है और ना ही पैरेलल लाइंस के बीच में है. थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल है आपके पास, पी ए, एक तो हमारे पास पैरेलोग्राम है, एक ट्रायंगल है. पैरेलोग्राम क्या है, पी क्यू आर एस, पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस, और ट्रायंगल क्या है, टी क्यू आर. दोनों का बेस क्या है, आर क्यू. पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर लाई ऑन द सेम बेस क्यू आर. और किस किस के बीच में लाई करती हैं, दो पैरेलल्स के बीच में लाई करती है, किस किस के, पी एस एंड क्यू आर के बीच में लाई करती है. तो क्या बोल देंगे, ऑन द सेम पैरेलल पी एस एंड क्यू आर. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ. ये हमारे पास एक फिगर है, ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, एंड आर पी क्यू, पी क्यू आर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल. अब देखो इसमें बेस, अगर बेस लेते तो पैरेलोग्राम का बेस क्या है, बी सी है, बट ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू है. अलग अलग है दोनों का बेस, तो क्या बोल देंगे, नॉट सेम बेस. किसका बेस सेम नहीं है तो निकाल ही नहीं सकते हम. नेक्स्ट है ए बी सी डी. ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेलोग्राम है और ए पी क्यू डी, ये हमारे पास क्या है, ए पी सी डी और ए बी क्यू डी, दो हमारे पास फिगर दे रखी हैं. अब देखो ए बी क्यू डी, अगर हम ए बी क्यू डी ये पूरा का पूरी एक फिगर लेके चल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम ए बी क्यू डी. ए बी क्यू डी एक ट्रेपीजियम है और ए पी सी डी एक उसके अंदर ही पैरेलोग्राम है. दोनों का बेस क्या है, ए डी. हमारे पास दोनों का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. तो क्या बोल देंगे, लाई ऑन द सेम बेस ए डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, किस किस पैरेलल के बीच में लाई करती हैं, ए डी एंड बी क्यू के, ए डी एंड बी क्यू के बीच में लाई करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ये फिगर दे रखी है. अब इसमें देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेलोग्राम है और ए बी सी डी क्या है, उसके अंदर एक पैरेलोग्राम है. तो दोनों का ना बेस सेम, ना पैरेलल के बेस ही सेम नहीं है, क्योंकि इसका पी क्यू आर एस का तो बेस क्या है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन ये तो क्या है, इसके हाफ के इक्वल है, पूरा तो है ही नहीं. तो क्या बोल देंगे, नोट इन सेम बेस. ये थी हमारी चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1. ओके, थैंक यू.